Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we are going to discuss a very important topic of surgery, and that is acute bacterial mastitis. ठीक है, इसको लिए जो टर्म यूज किया गया है दैट इज ब्रेस्ट एब्सेस या फिर पायोजेनिक मैस्टाइटिस. ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम एडियोपैथोजेनेसिस देखते हैं, किस वजह से ये होता है. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लैक्टेशनल मैस्टाइटिस. इट इज मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन. लैक्टेशन के वक्त होता है. क्यों होता है? अभी अगर जब बेबी फीड करता है तो निपल रीजन में अगर कोई क्रैक है, फिशर है, ठीक है, या फिर रिट्रैक्टेड निपल्स की प्रॉब्लम है, ओरल कैविटी का इन्फेक्शन है चाइल्ड में, उसकी वजह से भी लैक्टेशनल मैस्टाइटिस हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज हीमाटोमा. इन्फेक्शन इन हीमाटोमा कैन रिजल्ट इन एन एब्सेस. कई बार ऐसा होता है कि हीमाटोमा के इन्फेक्शन की वजह से भी एब्सेस हो सकता है. इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है तो वो मिल्क की क्लॉटिंग करा देता है, और जो विद इन द क्लॉट द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई विच रिजल्ट्स इन द सेल्युलाइटिक स्टेज ऑफ द ब्रेस्ट. ठीक है, मतलब मैस्टाइटिस होने लगता है क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी क्लॉटिंग हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस. ये कब होता है? इट अकर्स इन द पेशेंट्स विद डक्ट एक्टेजिया एंड पेरीडक्टल मैस्टाइटिस. मतलब डक्ट के आसपास की जगह पर अगर इन्फ्लेमेशन है या फिर जो डक्ट है उसमें एक्टेजिया हो गई है, उसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये समझ सकते हैं इसको भी एज अ एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस. ठीक है, सच एन एब्सेस रप्चर्स इट रिजल्ट्स इन मैमरी डक्ट फिस्टुला. इस एब्सेस के रप्चर होने के बाद मैमरी डक्ट का फिस्टुला फॉर्म हो जाता है. ठीक है, इट क्लासिकली ड्रेन्स एट द जंक्शन बिटवीन द एरियोला एंड ब्रेस्ट स्किन. ठीक है, ब्रेस्ट स्किन और एरियोला के बीच का जो एरिया होता है वहां पर ये एब्सेस ड्रेन करता है, और ज्यादातर ये एनरोबिक बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है. कुछ अदर फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज, एड्स या फिर कोई क्रोनिक इलनेस जो कि पर्सन की इम्यूनिटी को हैम्पर करती है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स जो कि अक्यूट मैस्टाइटिस या फिर ब्रेस्ट एब्सेस में देखने को मिलते हैं. तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? बहुत ज्यादा पेन होगा ब्रेस्ट के रीजन में. ठीक है, और वहां से इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट भी बाहर आएगा. ठीक है, ब्रेस्ट जो होता है वो सॉलिड हो सकता है, वार्म टू टच हो सकता है. ठीक है, और ये सेल्युलाइटिक स्टेज के बारे में बताया जा रहा है जो कि हमने देखा कब होता है, जब क्लॉटिंग हो जाती है मिल्क की और ऑर्गेनिज्म उस क्लॉट में मल्टीप्लाई करने लगते हैं. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर एब्सेस ब्रेक कर जाए तो वो हाई ग्रेड फीवर और चिल्स भी कॉज कर सकता है. ठीक है, और उस जगह के स्किन की कई बार नेक्रोसिस और अल्सरेशन भी हो सकता है. ठीक है, अगर डीप सीटेड एब्सेस है और वहां पे पस बन रहा है तो वहां पर थ्रॉबिंग पेन मिल सकता है, फीवर और रिगर्स भी मिलेगा. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट अबाउट अक्यूट बैक्टीरियल मैस्टाइटिस. आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन में कई बार 10 मार्क्स क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है. दैट इज वाई आई हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. वन मोर थिंग, यहाँ पे अक्यूट बैक्टीरियल एब्सेस मतलब बैक्टीरिया की वजह से होने वाला मैस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन. ठीक है, एंड ब्रेस्ट एब्सेस ये पायोजेनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस उसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडे सेशन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेडिक्योर बॉडी एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.